देखिए, जिसको ऐसा लगता हो कि शरीर की जो ऊर्जा है ना हमेशा एक सी रहेगी, तो ये हमारा भ्रम है ना। और इसको हम किस आधार पर कह रहे हैं? अपने छोटे से अनुभव के आधार पर। ऊर्जा निरंतर अपने समय के हिसाब से, शरीर के हिसाब से कहीं न कहीं कम ही होगी। हाँ, वैचारिक तंतु हैं, इनके अंदर तो सीधी सी बात है ज्वाला प्रखर होगी, लेकिन जो कार्य करने की गति है, अब उसमें कितना भी आप प्रयास करेंगे, हम कितना भी प्रयास करेंगे, उसकी गति में शारीरिक ऊर्जा का जो है अंतर तो आएगा ही। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा कि जैसे हम लोग खेती के लिए बैल लगाते हैं ना, तो बैल लगाते जाते हैं, बैल अपनी ऊर्जा से खेती का काम करते जाता है, फिर बैल बूढ़ा होता है तो फिर नए बछड़े को बैल बना देते हैं उसको। तो ऐसा एक क्रम बनाना पड़ेगा कि आपकी ऊर्जा कम होने पर भी कार्य रुके ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, आज लोग नहीं हैं फिर भी चल रही हैं, जो लोग पहले काम कर रहे थे आज वो रिटायर हो गए हैं, है ना, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नए लोगों को और वहां पर स्थापित किया गया है। इसी तरीके से हमारे जीवन में हर कार्य में ऊर्जा तो निरंतर लगने वाली चीज है, और ऊर्जा का निरंतर ह्रास भी होता है, निर्माण भी होती है। अगर ऊर्जा तैयार भी होती तो ह्रास भी होता, उसका घटती भी है। तो जो घटने वाली ऊर्जा है, इस ऊर्जा के साथ साथ में जो और ऊर्जा कैसे तैयार हो सकती है? जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी जो है ये ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। और हम लोगों ने तो सुना है कि भारत में जो है बताते हैं कि सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो जहाँ सबसे ज़्यादा युवा होगा वहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी वास्तव में। याद है मिर्ची? अब अंतर इतना है कि वो जैसे लकड़ी गीली हो गई है ना, गीली लकड़ी हो गई है अगर, मिर्ची ले तो ले। उसको सुखाना पड़ेगा, तब कहीं उसमें जाकर के जो है वो खत्म अग्नि होगा। पकड़ेगी। और यही हाल हमारे देश के युवा का है। और युवा ही क्या, आज तो वर्तमान में बहुत गतिविधियां ऐसी हैं कि जिनके बारे में कहना सुनना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसके बाद भी एक बात निश्चित है कि लकड़ी में सीत पकड़ लिया है, लकड़ी मिर्ची में दे नमी आ गई है। कुछ नहीं जो युवा ले है ले। उसके रास्ते बदल गए हैं, उसके अंदर जो है न भक्ति है, न देशभक्ति है, न परिवार भक्ति है, ना ही उसके अंदर कोई ऐसा किसी के प्रति अगाध श्रद्धा है, ना अगाध किसी के प्रति प्रेम है। अगर हम ये कहें कि वो अपने प्रेमी के लिए भी पागल है, तो अपने प्रेमी के लिए भी पागल नहीं है वो। मतलब वो उसका जीवन जो है कुछ उद्देश्यहीन हो गया है, उसके पास में लक्ष्यहीन है, उसको पता नहीं है कि मुझे अब इसके बाद और क्या चाहिए। उसको जो मिलता है उसमें लिप्त होने लगता है, जो मिलता है ऐसा लगता है ये इसी के लिए बना है, कोई नई चीज़ मिली फिर लगता है ये इसी के लिए बना है। तो उसके कारण क्या होता है कि लक्ष्यविहीन होता व्यक्ति जो है वो दूसरे के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि वो किसी को सिखा तो सकेगा नहीं। वो भाई उसको सीखना तो है नहीं किसी से, लेकिन वो सिखा भी नहीं पा रहा है, और जब सिखा नहीं पा रहा है, सीख नहीं रहा है, तो उसको देख करके जो लोग करेंगे उनका भी जीवन निरुद्देश्य होगा। और निरुद्देश्य जीवन जो है वास्तव में किसी काम का नहीं होता है। इसलिए हम अपनी ऊर्जा को इस तरीके से प्रवाहित करें, इस तरीके से प्रभावित करें कि लोग उससे प्रभावित हों, है ना। जब ऊर्जा प्रवाहित होगी तो लोग उससे प्रभावित होंगे, और प्रभावित होंगे तो उस पर काम करेंगे, जब काम करेंगे तो ऊर्जा की गति और ज़्यादा तेज होगी, ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ेगी। और जब ऊर्जा बढ़ती जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे अंदर, आपके अंदर जो संकल्प है वो और बढ़िया तरीके से कार्य करते रहेंगे, पवित्रता की ओर निरंतर वो चलता रहेगा।
तो हम सब संकल्प लें कि अपनी ऊर्जा को नियोजित भी करेंगे, है ना, उसका सही नियोजन भी करेंगे और उस ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, चाहे उसको हम युवा में हो, बच्चों में है, जैसा भी, जहाँ भी, है ना। क्योंकि एक वृक्ष तभी उपयोगी होता है जब अपने जैसा कई बीज दे देता है ना, तो और उपयोगी हो जाता है। छाया तो दे ही रहा था, नहीं भी देता बीज तब भी उपयोगी था, लेकिन उसके बाद उसका उपयोग सही और तभी बढ़ जाता है ना। तो हमने जीवन में अपने उदाहरण में देखा है कि वृक्ष से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है जीवन में, है ना, सूर्य से अच्छा कोई उदाहरण नहीं जीवन में, नदियों से अच्छा कोई उदाहरण नहीं। ये बार बार हम इस बात को इसीलिए लेते हैं, है ना, कि ये जीवन में हमारे उदाहरण बहुत काम में आते हैं। तो आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से नमन। एक विचार है, चिंतन है, पवित्र विचारधारा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो उसका प्रयास रहता है। अगर आपको उचित लगता है तो आप इसको स्वीकार करें, और नहीं लगता है तब भी कहीं कोई बात नहीं है। आप सभी को पुनः नमन। सुंदर छटा बिखर रही है, पक्षी चहक रहे हैं।